हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन अंजू मलिक। आज मैं आपके लेकर आई हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट और स्नैक बार्स। तो आज है एपिसोड 1 ऑफ अ न्यू सीरीज जिसका नाम है फिटलिशियस मील्स। आज जो ये रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो ग्लूटेन फ्री है, शुगर फ्री है और वेट लॉस के लिए बहुत ही एप्ट रहने वाली है। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके हम ये बार्स बनाएंगे। फूल मखाना 1 1/4 कप, मिक्स सीड्स लेंगे 3/4 कप, डेट्स लेंगे सीडलेस 1 कप, पीनट बटर या कोई भी नट बटर आप ले सकते हैं 100% 3/4 कप। ये जो रेसिपी है ये रेडी टू ईट और कैरी टू वर्क वाली रेसिपी है। सो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ फूल मखाना को। फूल मखानास आर वेरी फिलिंग, दे आर हाईली न्यूट्रिशियस और आप बहुत तरीके से इन्हें यूज कर सकते हैं, जैसे कि आज मैं इन्हें एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी में यूज करूंगी। तो देखिए ये ड्राई रोस्ट हो गए हैं, धीमी आंच पे मैंने इन्हें ड्राई रोस्ट किया है। इन्हें मैं एक प्लेट पे निकाल लेती हूँ और अब सेम पैन में हम अपने सीड्स को भी ड्राई रोस्ट करेंगे। आंच को धीमे रखना है और बीच में स्टर करते रहिएगा। मैंने यहाँ पर पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, थोड़े से चिया सीड्स और तिल का इस्तेमाल किया है। आप अपने कोई भी मनपसंद सीड्स का इन रेसिपीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें भी मैंने रिमूव कर दिया है। ये हैं डेट्स, इनके सीड्स मैंने रिमूव किए हैं और इन्हें मैं बहुत थोड़ी सी देर आंच पे रख रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। अब पहले हम ड्राई चीजों को डालकर उनका एक कोरस मिक्सचर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर रोस्टेड मखाना एंड सीड्स को ऐड कर दिया है। एक दरदरा पाउडर बनाएंगे, बहुत महीन पाउडर नहीं बनाना है। तो देखिए ये मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब सेम जार में मैंने डेट्स को ऐड कर दिया है और पीनट बटर को भी ऐड कर दिया है। एज आई सेड, आप अपने पसंद का कोई भी नट बटर यूज कर सकते हैं। आप इसके अंदर आमंड बटर या कैशू बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। इसे मैं एक बार फिर से पैन में निकाल के मिक्स करूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ड्राई मिक्सचर थोड़ा सा नीचे रह जाता है, तो वो अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए हम एक बार उसे किसी भी सरफेस पे इस तरह निकाल के मिक्स कर लेंगे। अब बारी है इन्हें सेट करने की। आप सेट कर सकते हैं एक प्लेट के या ट्रे के अंदर, उसे कट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये सिलिकॉन के मोल्ड्स हैं, ये एनर्जी बार्स के लिए मोल्ड्स मैंने लिए थे। इनके अंदर मैं इन्हें सेट कर दूंगी। पहले मैंने मिक्सचर को इक्वली डिवाइड कर दिया है और अब मैं इन्हें प्रेस करके अच्छी तरह से सेट कर रही हूँ। प्रेस करना ना भूलेगा, अदरवाइज ये अच्छी तरह सेट नहीं होंगे। मिनिमम 40 मिनट्स जो है आप इन्हें छोड़ सकते हैं फ्रिज के अंदर। और फिर ये देखिए हमारे जो एनर्जी बार्स है बनकर तैयार हो गए हैं। आप इन्हें बड़ी क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप डबल इसका पोर्शन साइज बना सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट बार्स हैं। अगर आप मॉर्निंग में लेट हो रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है कुछ कुक करने का, तो आप ये एक बार खा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फिलिंग महसूस होगा। दे आर ऑल्सो वेरी डिलिशियस और फाइबर की वजह से फिलिंग है, प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में इनके अंदर और हेल्दी फैट भी है। आप चाहें तो इन्हें एज ए स्नैक भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन पूरी बार को नहीं, आधी या 1/4 बार को आप एज ए स्नैक ले सकते हैं। आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 वीक्स के लिए। ये जो बार्स हैं इनके अंदर कोई भी ग्रेन नहीं है, कोई भी इनके अंदर और ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं है बाहर से, जो हम प्रोटीन बार्स या एनर्जी बार्स लेकर आते हैं उनके अंदर काफ़ी ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं विच आर नॉट हेल्दी, क्वेश्चनेबल होते हैं, बहुत सारे एडिटिव्स भी होते हैं। तो घर पे इस तरह बनाइए, वीकेंड्स पे और पूरे हफ्ते में आप इन्हें इंजॉय कीजिए। आप इन्हें बच्चों को भी दे सकते हैं।